हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर जकी जमाल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमाइनो एसिड्स की। एनसीईआरटी में अमाइनो एसिड से रिलेटेड क्या दे रखा है और पुराने पेपर्स में क्या क्या सवाल पूछे जा चुके हैं। जैसे कि इस साल नीट 2020 में देखा गया कि अमाइनो एसिड टॉपिक पर ही दो सवाल थे, एक बायोलॉजी में था और एक केमिस्ट्री में था। वो बात अलग है कि दोनों का ही आंसर लाइसेंस था, सेम क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया था। शुरू करते हैं अमाइनो एसिड्स। जब जब अमाइनो एसिड्स की बात होगी तो बात शुरू प्रोटीन से ही होगी कि प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बने होते हैं और एनसीईआरटी में इसके लिए एक लाइन लिखी हुई है कि प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अवर बॉडी विच आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बात इन शॉर्ट ये आप 9-10 से सुनते आ रहे हैं कि प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बने होते हैं। अब टोटल 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि जो प्रोटीन्स हैं वो बहुत तरीके के अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं। इसलिए एक सवाल पुराने पेपर में पूछा जाता है कि प्रोटीन्स आर आपको आंसर लगाना होता है हेट्रोपॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब किसी भी प्रोटीन के अंदर ये अमाइनो एसिड का काउंट कितने भी हो सकते हैं, मतलब हो सकता है आर्जिनिन 10 बार हो या 50 बार हो, और उनका सीक्वेंस आगे पीछे होने से प्रोटीन का नेचर, उसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है। इसलिए कॉम्पिटिशन में एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि द मोस्ट डाइवर्स मॉलिक्यूल इन द सेल इज, आपको आंसर लगाना होता है प्रोटीन। सवाल ऐसे पूछा गया है कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा डाइवर्स क्यों होता है सेल के अंदर, तो आपको आंसर लगाना होता है ड्यू टू द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब अगर हम एक अमाइनो एसिड की बात करते हैं तो अमाइनो एसिड के अंदर टोटल हमें चार ग्रुप्स नज़र आते हैं। उसमें एक तरफ लगा होता है अमाइनो ग्रुप, एक तरफ लगा होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, एक तरफ होता है हाइड्रोजन और एक तरफ होता है वेरिएबल ग्रुप। तो एक अमाइनो एसिड के अंदर हमें नज़र आएगा अमाइनो ग्रुप, इसके अलावा कार्बोक्सिल ग्रुप, इसके अलावा हाइड्रोजन और एक वेरिएबल ग्रुप। तो अलग अलग अमाइनो एसिड्स के अंदर यही वेरिएबल ग्रुप चेंज होता रहता है, तो इस वजह से ये अलग अलग तरीके का अमाइनो एसिड होते हैं। अब सवाल कॉम्पिटिशन में ऐसे पूछा गया, एक बार उन्होंने किया कि ऑप्शन दे रखे थे कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और फॉस्फोरस, और क्वेश्चन ये पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन अमाइनो एसिड। तो जाहिर सी बात है आप देख रहे हो कि इधर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नज़र आ रहा है, फॉस्फोरस नहीं, तो आप आंसर लगा सकते हो कि फॉस्फोरस नहीं होते अमाइनो एसिड्स के अंदर। ठीक है, सल्फर होता है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड आपने सुन भी रखे हैं। कितनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब अगर कोई कार्बन डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप से अटैच होता है उसे हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, है ना, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सुनते आए हो। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो कार्बन है अल्फा कार्बन है और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है ये सिमिलर है इसके CH4 के, है ना, ये चार हाइड्रोजन रहे होंगे, फिर सब्सटीट्यूट हो गया, इधर अमाइनो आ गया, इधर कार्बोक्सिल आ गया, इधर वेरिएबल ग्रुप आ गया। तो इसलिए पुराने पेपर में सवाल ऐसे पूछा गया है कि अमाइनो एसिड्स आर अल्फा सब्सटीट्यूटेड मीथेन्स, अल्फा कार्बन सब्सटीट्यूटेड मीथेन्स। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसके बाद जो अगली बात आपको यहां पर सीखनी है वो ये कि एनसीईआरटी में अमाइनो एसिड्स के तीन डायग्राम दे रखे हैं। एक डायग्राम के अंदर तो उन्होंने इस तरीके से दिखाया हुआ है कि एक तरफ अमाइनो ग्रुप है, एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन और इधर नीचे भी हाइड्रोजन। दूसरा डायग्राम भी लगभग ऐसा ही है, थोड़ा सा चेंज है, उसमें कार्बन, इधर अमाइनो ग्रुप, इधर हाइड्रोजन और CH3। एक और डायग्राम है COOH, CH NH2 और CH2OH। ठीक है, ये तीन डायग्राम है, इनसे क्योंकि एनसीईआरटी भी दे रखे हैं इनसे सवाल पूछा गया है। आप देखो ऊपर के तीनों तो सबके अंदर सेम है, इधर H है, इधर CH3 है यानी कि मिथाइल ग्रुप है, है ना, और इधर CH2OH है यानी कि हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप है, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप। आपको बस इनके नाम याद करने हैं। अब ये इसी सीक्वेंस में एनसीईआरटी में, तो आप इनके नाम ऐसे याद कर लेंगे, रट लेंगे कि ये है ग्लाइसिन,
एलानिन और सेरीन। तो ग्लाइसिन के अंदर हाइड्रोजन है, एलानिन के अंदर मिथाइल ग्रुप है और सेरीन के अंदर हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अब अगर ये देखा जाए तो जनरली जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके अंदर जो अल्फा कार्बन है इस पर चारों तरफ फंक्शन ग्रुप अलग अलग होते हैं, चारों तरफ फंक्शन ग्रुप अलग अलग होते हैं, केवल ग्लाइसिन ही एक ऐसा अमाइनो एसिड है कि जिस पर दो हाइड्रोजन। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लाइसिन एसिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्री नजर आ रही है इसके अंदर। तो कॉम्पिटिशन में फिर ये सवाल पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा अमाइनो एसिड है जो कि एसिमेट्रिकल नहीं है, तो आपको आंसर लगाना है ग्लाइसिन। सवाल ऐसे कॉम्पिटिशन में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा अमाइनो एसिड है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो अगर ये सवाल पूछा जाता है कौन सा अमाइनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो ग्लाइसिन, कौन सा अमाइनो एसिड जो कि एसिमेट्रिकल नहीं है तो भी आंसर ग्लाइसिन। सवाल ऐसे ही पूछा गया है कॉम्पिटिशन के अंदर कि सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, तो अब इससे सिंपल क्या होगा, एक अमाइनो कार्बोक्सिल ग्रुप तो होता ही है, इधर दूसरा वेरिएबल ग्रुप पर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो अगर सवाल पूछा जाता है कि सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड तब भी आप आंसर क्या लगा कर आएंगे, ग्लाइसिन, ठीक है। अब अमाइनो एसिड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल जैसे कि लफ्ज से समझ में आ रहा है जो हमारे लिए ज़रूरी है, और नॉन एसेंशियल यानी जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। अब होता ये है कि टोटल 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हैं, इनमें से कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी बना लेती है। अब अगर वो हमारी बॉडी खुद बना लेती है तो बाहर से ऐसा कोई खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी डाइट की ज़रूरत नहीं जिसमें कि वो अमाइनो एसिड मौजूद हो, तो वो अमाइनो एसिड जो कि हमारी बॉडी में बन जाते हैं उनके फिर बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो हो जाएंगे नॉन एसेंशियल। लेकिन कुछ अमाइनो एसिड ऐसे भी हैं जो कि हमारी बॉडी में नहीं बन पाते हैं, इसलिए हमें ऐसी डाइट लेना पड़ती है, ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिससे कि वो अमाइनो एसिड की हमारी बॉडी में पूर्ति होती रहे, वो मिलते रहे। तो वो अमाइनो एसिड जो कि हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं वो हमारे लिए ज़रूरी है, तो वो जाएंगे एसेंशियल। तो दोज अमाइनो एसिड विच आर नॉट सिंथेसाइज इन अवर बॉडी आर नोन एज एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, और वो अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी में बन जाते हैं उनके बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वो हो जाएंगे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि अमाइनो एसिड्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिंथेसिस, कि अमाइनो एसिड्स एसेंशियल भी हो सकते हैं और नॉन एसेंशियल भी हो सकते हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब इसमें होता ही है कि चार ऑप्शन में से तीन एसेंशियल के दे दिए और एक नॉन एसेंशियल का दे दिया, आपको बताना होता है इसमें कौन सा एसेंशियल है कौन सा नॉन एसेंशियल। तो हम करेंगे, हम बस एसेंशियल के नाम याद कर लेंगे, तो जो हमारे रटे हुए नाम है वो सारे एसेंशियल के होंगे, तो उसके अलावा जो भी नाम होगा वो नॉन एसेंशियल का होगा, ठीक है ना। फिलहाल एक छोटी सी बात आपको रटनी ये भी है कि ये जो अमाइनो एसिड्स हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड, 7 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं एनिमल्स के अंदर, यानी कि एनिमल्स को 7 अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं बाहर से डाइट से, क्योंकि उनकी बॉडी में नहीं बन पाते, और ह्यूमन बींग्स के अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स 8 हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर 8 हैं और एनिमल्स के अंदर 7 हैं। तो आपको नाम याद होने चाहिए कि कौन कौन से अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि एसेंशियल हैं एनिमल्स के अंदर और ह्यूमन बींग्स के अंदर, हमें याद कर लेते हैं। तो उसे याद करने का तरीका ये, आप पहले एनिमल्स वाले याद कर लीजिए कि लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वैलीन, ट्रिप्टोफन, मेथियोनिन, फिनाइल एलानिन, कितनों का 3, 2, 5, 6, 7। आपने भी याद किया था कि एनिमल्स के अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड कितने होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड एनिमल्स के अंदर होते हैं 7, वो ये है। अब बहुत से बच्चे इनको निमोनिक बना के याद करते हैं, देखो निमोनिक आप ऑलरेडी कई जगह बना चुके हो, मॉर्फोलॉजी के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल जहाँ निमोनिक बना के याद करते हो, तो बेहतर है क्योंकि एक आध दो चीज़ें ना आप इन्हें ऐसी रट लो, ये रिदम भी इसमें लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, फिर वैलिन, ट्रिप्टोफन, फिर मिथ्योनिन, फिनाइलएलानिन, आसान है। तो निमोनिक की बजाय इनको डायरेक्ट याद करो, 7 हो।
अब ह्यूमन बीइंग्स के अंदर आपने याद किया कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं 8, है ना, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होते हैं 8, तो इसका मतलब एक बड़ा हुआ है, तो 7 तो यही है, एक जो एक्स्ट्रा बड़ा है वो है थ्रियोनिन। कौन सा बड़ा एक्स्ट्रा? थ्रियोनिन, ठीक है ना। तो एसेंशियल अमीनो एसिड ह्यूमन बीइंग्स में कितने हो गए? 8, तो 7 तो यही है, 8वां कौन सा बड़ा इसमें? थ्रियोनिन। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा 2 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिनको सेमी इंडिस्पेंसिबल अमाइनो एसिड बोला जाता है, सेमी इंडिस्पेंसिबल अमाइनो एसिड। सेमी इंडिस्पेंसिबल अमाइनो एसिड कहने का मतलब ये सेमी एसेंशियल, सेमी एसेंशियल से मतलब ये है कि इनकी जरूरत तो होती है लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। इस वजह उसकी वजह यह है कि ये अमाइनो एसिड ह्यूमन बींग्स के अंदर बनते हैं लेकिन बहुत धीरे धीरे बनते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये चाहिए भी होता है, थोड़ा सी जरूरत होती भी नहीं। तो सेमी इंडिस्पेंसिबल मतलब सेमी एसेंशियल। तो यहां पर सेमी इंडिस्पेंसिबल अमाइनो एसिड में आपको 2 नाम याद करने हैं, आर्जिनिन एंड हिस्टाइडिन, आर्जिनिन एंड हिस्टाइडिन, याद रहेगी इतनी बात, ठीक है ना। अब सेमी इंडिस्पेंसिबल यानी सेमी एसेंशियल मतलब है तो, लेकिन ये भी एसेंशियल है ना। अब ये जो क्राइटेरिया पढ़ाया जाता है कि एनिमल्स के अंदर 7 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं और ह्यूमन बीइंग्स के लिए 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं और 2 सेमी इंडिस्पेंसिबल हैं यानी सेमी एसेंशियल हैं, ये क्लासिफिकेशन अब लेटेस्ट है। अब से 10-11 साल पहले इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन नीट में उस जमाने में सवाल पूछा जाता था कि हाउ मेनी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमन बीइंग्स के लिए कितने अमाइनो एसिड एसेंशियल हैं, तो आपको तब आंसर लगाना होता था 10। अब जैसे जो बच्चा आज ही तैयारी कर रहा है तो वो तो देखता है कि ह्यूमन बीइंग एसेंशियल एसिड तो 8 है, लेकिन क्योंकि ये सवाल पुराना है और उस जमाने में वो इन दोनों को भी लेकर चलते थे, इसलिए अगर ये एसेंशियल अमाइनो एसिड वाला सवाल आता है तो आपको आंसर लगा कराना है 10। नीट में कमी, सेमी इंडिस्पेंसिबल पर का डायरेक्ट सवाल आएगा तब आप आंसर लगा कराएंगे 2 यानी आर्जिनिन एंड हिस्टाइडिन। क्या ये बात आपकी समझ में, ठीक है। अब इसके अलावा आपने एसेंशियल और सेमी एसेंशियल और ह्यूमन बीइंग्स के याद कर लिए, तो इनके अलावा जो बाकी के नाम है वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के हो गए। अब कंपटीशन में सवाल इस तरीके से पूछा जा रहा है कि एसिडिक अमाइनो एसिड्स कौन से हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड्स, सवाल कंपटीशन में पूछा जा रहा है कि बेसिक अमाइनो एसिड्स कौन से हैं, बेसिक अमाइनो एसिड, सवाल पूछा जा रहा है कंपटीशन में कि न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स कौन से, न्यूट्रल अमाइनो एसिड, इसके अलावा सवाल पूछा जा रहा है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स कौन से, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, इसके अलावा सवाल पूछा जा रहा है एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स कौन से, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स कौन से। एसिडिक अमाइनो एसिड को याद करने के लिए आपको इसमें एक निमोनिक बना लेना चाहिए, इसे गा यहां बना लेना चाहिए, मतलब ग्लूटामिक एसिड्स, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। तो ये जी से ग्लूटामिक एसिड, ए से एस्पार्टिक एसिड और ए से एसिडिक अमाइनो एसिड, तो ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड आर एसिडिक अमाइनो एसिड। वैसे भी इनके नाम में एसिड है तो याद करने में इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी। बेसिक अमाइनो एसिड्स के नाम याद करने के लिए आप निमोनिक याद कर लीजिए, लैब, LAB लैब, यानी कि लाइसिन एंड आर्जिनिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन आर बेसिक अमाइनो एसिड, ठीक है ना। अच्छा, न्यूट्रल अमाइनो एसिड को याद करने के लिए आप याद कर लीजिए गेव, GAV गेव, यानी कि ग्लाइसिन, एलानिन एंड वैलिन आर न्यूट्रल अमाइनो एसिड। इस बार नीट में यही ग्लाइसिन वाला सवाल पूछा गया था। वैसे तो ये 3 है न्यूट्रल, NCERT में ग्लाइसिन का जिक्र है इसलिए ग्लाइसिन पर ही सवाल आया है पहले भी, बेसिक में NCERT में लाइसिन दे रखा है इसलिए पुराने पेपर में लाइसिन से ही सवाल आया, तो इसलिए प्रायोरिटी भी आपको NCERT को देनी है, वैसे पूरी इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड में आपको नाम याद करने हैं सिस्टीन, सिस्टीन और मिथियोनिन, सिस्टीन, सिस्टीन एंड मिथियोनिन। देखिए इन दोनों सिस्टीन में इधर ई का फर्क है, इधर ई है इसके अंदर नहीं है, होता दरअसल ये है कि 2 मॉलिक्यूल सिस्टीन के मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं सिस्टीन का,
खैर तो ये तीनों ही सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। बहुत बार कंपटीशन में ये सवाल पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, एनसीईआरटी में दे रखा, तो आपको ये नाम याद होने चाहिए। इसके अलावा पुराने पेपर में ये भी सवाल पूछा गया, चार ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, पूछा जाएगा इनमें से कौन सा अमीनो एसिड है जिसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड मौजूद है। तो जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है जाहिर सी बात है उनके अंदर ही डाइसल्फाइड बॉन्ड होंगे, तो आपको वहां पर ऑप्शन ढूंढना होता है सिस्टीन, सिस्टीन या फिर मीथियोन, ठीक है ना। एरोमेटिक अमीनो एसिड को याद करने के लिए आपको निमोनिक याद करना है टीटीपी, यानी कि टायरोसिन, ट्रिप्टोफन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफन और फिनाइल एलेनिन, एनसीईआरटी में दे रखा है, इसके पुराने पेपर में भी सवाल आ चुके हैं। अब क्योंकि इनके अंदर एरोमेटिक कंपाउंड मौजूद होते हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड है तो इनके अंदर एरोमेटिक ग्रुप मौजूद है, इस वजह से ये पुअरली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। तो कंपटीशन में ये सवाल ही पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अमीनो एसिड विच इज पुअरली सॉल्युबल इन वाटर, तो जो एरोमेटिक अमीनो एसिड होंगे दे आर पुअरली सॉल्युबल इन वाटर, उनमें नाम आपको याद करना है टायरोसिन, ट्रिप्टोफन एंड फिनाइल एलेनिन, यानी कि टीटीपी, ठीक है ना। कॉम्पिटिशन में अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर एनसीईआरटी देखेंगे, इससे बाहर कोई भी बात अमीनो एसिड में नहीं है। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स अगर आपको लगता है कि मुझे आपको बताने चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं और अगली वीडियो में आपको उस पर ही याद करवा दूँगा।